नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचर डाइट सिस्टम से एक सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक। दोस्तों, आज का हमारा विषय है हमारे शरीर के त्रिदोष क्या है जिसे वात पित्त और कफ कहते हैं। दोस्तों, हम आत्म साधना के मार्ग से शरीर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी तत्व को जानना है तो प्रथम हमें समझना पड़ता है यह तत्व किसने बनाया है। यह हमने जान लिया, यह शरीर सर्वव्यापी परमात्मा की देन है। दूसरा होता है यह तत्व मतलब शरीर किससे बना है, यह भी हमने समझ लिया है। शरीर यह 5 तत्वों का बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तीसरा हमने जान लिया है मानव बीमार और दुखी क्यों है। सभी बीमारियों का एक ही कारण है, आंतरिक मल संचय। आज दोस्तों हम जानेंगे शरीर के त्रिदोष क्या है। इतनी समझ हमारे में आ गई तो हर शरीर के समस्या का हल हमारे पास आ जाएगा और इसके बाद बसता है निवारण। यह तो आसान है। सर्वव्यापी परमात्मा ने जो यह देह की रचना की है, इसमें मुख्य सिर्फ 3 घटक है, वात मतलब वायु, पित्त मतलब एसिड अम्ल, कफ मतलब चिकनाहट। यह सब शरीर के लिए आवश्यक है मगर सही प्रमाण में जरूरी है। जब भी वात पित्त और कफ का असंतुलन हो जाता है तब उसी प्रकार की बीमारियों का निर्माण होता है। वात पित्त कफ शरीर के लिए आवश्यक है, इसका असंतुलन होने का कारण क्या है यह प्रथम हमें समझना है। मित्रों, मैं हर ऑडियो में बोल रहा हूं, सर्वव्यापी परमात्मा की हम सबसे प्रिय औलाद है। जैसे ही हमारा जन्म हो गया, हमारे मां के स्तन में दूध भर दिया गया। आप 84 लाख योनियों का भोजन देखो और हमारी कुदरती भोजन देखो। यह सर्वव्यापी परमात्मा ने अपने शरीर को जरूरी पोषण और टेस्ट के लिए धीमी धीमी आंच में सूर्य भगवान से पकाकर सुंदर और मीठे फल बनाए। यह सब सन कुक फूड है, मतलब परमात्मा ने पकाया हुआ खाना है। यह इसके ऊपर कुछ आपको स्वयं पकाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके शरीर के पोषण हेतु सब प्रकार के विटामिन और मिनरल ईश्वर ने लबालब भरे हुए हैं। हर मौसम के अलग अलग फल बनाए हैं जिससे हमारा वात पित्त और कफ बैलेंस रहता है। आप हमारे परमपिता की कृपा देखो, गर्मी के दिन में तरबूज, वाटरमेलन, खरबूज मतलब सनमस्क, इसमें 90% पानी भरकर आपके पोषण के लिए बनाए हैं। इससे सोचो यह हमारी कितनी फिक्र करता है। और आप शांति से सोचो, यह फल सिर्फ मानव के लिए ही बनाए हैं। पक्षी खा नहीं सकते, उनको हाथ नहीं है। चार पाँव वाले जानवर भी हाथ न होने के कारण उसको खा नहीं सकते हैं। इससे सिद्ध होता है यह सिर्फ मानव के लिए बने हैं। हम सब मानव सर्वव्यापी परमात्मा का अनादर कर रहे हैं, इसलिए बीमारियां और दुख भोग रहे हैं। लाखों हॉस्पिटल बनाओ, करोड़ों डॉक्टर खड़े करो, जब तक आप कारण पर काम नहीं करते, परमात्मा ने तय किया हुआ भोजन स्वीकार नहीं करते, तब तक बीमारियां रहेगी ही। आप कुछ भी कर लो, हमें ईश्वर ने तय किया खाना है। जूनी शक्ति के रूप में साक्षात भगवान मौजूद है और आप उसको जलाकर खा रहे हो। उसके ऊपर विचार करो, मनन करो। सारी सब्जियां जिसमें प्रत्यक्ष परमात्मा ने दवाई भरी हुई है, इसका आप आग के ऊपर जलाकर अनादर करते हो। एक छोटा सा प्रयोग करें, एक कच्चा सिंघदाना मिट्टी के कुंडी में डालो, कुछ ही दिन बाद उसका छोटा सा पौधा बनेगा।
मगर वही कच्चा सिंगदाना तवे के ऊपर गर्म करो और बाद में मिट्टी में डालो, उसका कभी भी पौधा नहीं बनेगा। कारण क्या है? कच्चे सिंगदाने में जीवनी शक्ति थी, इसके लिए वह जीवित हो गया, और जो गर्म किया हुआ सिंगदाने की जीवनी शक्ति जलकर खत्म हो गई, मतलब चलाने से उसके अंदर की जीवनी शक्ति नष्ट हो गई और हमारे शरीर को जीवनी शक्ति वाले भोजन की जरूरत है। साक्षात परमात्मा आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, सिर्फ आप सत्य को समझो। और हमारी क्रांति समर्पण ट्रस्ट वादा करती है, आपने अपक्व आहार खाना शुरू किया तो नैसर्गिक तौर से आपके शरीर में जो वात पित्त कफ, इसका हमेशा बैलेंस रहेगा और आप स्वस्थ और मस्त जीवन जिएंगे। तो अभी हम प्रत्यक्ष तौर पर समझने की कोशिश करते हैं ये वात पित्त और कफ बढ़ने के क्या कारण है। प्रथम हम बात करते हैं वात मतलब वायु। हमारे शरीर में 6% वायु है और पानी हमारे शरीर में 71% है। जैसा ही 6% वायु लगता है उससे वो बढ़ जाता है, शरीर में अलग अलग दर्द शुरू हो जाते हैं। मित्रों, जो भी आपके शरीर में दर्द होने का कारण है वह है वायु मतलब गैस। फिर गैस निर्माण का कारण क्या है? सभी प्रकार की दालें, बेसन युक्त पदार्थ, बेकरी युक्त पदार्थ, तले हुए पदार्थ हमारे शरीर में गैस निर्माण करते हैं। दालें बोलते ही मानव का चिल्लाना शुरू होता है, हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? जाकर अभ्यास करो, हाथी, गोरिल्ला, बंदर, हरिन दालें खाते हैं क्या? उनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? मेरे दोस्तों, जो अपक्व आहार है इसमें लबालब प्रोटीन भरा हुआ है। कच्चा खाना ही सच्चा खाना है। दोस्तों, हमारा परमपिता सर्वव्यापी परमात्मा सारे ब्रह्मांड चला रहा है। 84 लाख योनियों का उसने खाने का बंदोबस्त किया है। विश्वास करो, उसके मैनेजमेंट कभी गलत नहीं हो सकती। सुबह उठकर घंटी बजाकर प्रसाद की लालच देकर जहां वह नहीं है ऐसे मंदिर में जाकर भीख मांगना बंद करो, इससे परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होगा। इसने जो आपको आपके लिए भोजन बनाया है उसके ऊपर 100% विश्वास करके वही खाना शुरू करो, यही हमारी प्रथम भक्ति है। आपकी स्वयं की औलाद, आप उसके भलाई की बात करते हो और वह सुनते नहीं हैं तो आपको कैसा लगता है? वैसा ही परमात्मा को आपके बारे में लगता है। इसके हर चीज से समर्पित होना ही भक्ति है। कुछ स्वयं पर प्रयोग करें। पकी हुई दाल एक वाटी में बाहर रखें और 8-10 घंटे के बाद स्वयं देख लो, उससे बदबू आना शुरू हो जाती है। यही हाल आपके पेट में हो रहा है, आप जो तले हुए पदार्थ खा रहे हैं, उदाहरण लेते हैं वड़ा पाव, भजिया पाव, हम सब खा रहे हैं। आप ही सोचे, पकाया हुआ बटाटा, उसके ऊपर सबसे ज्यादा गैस बनाने वाली हरहर की दाल, दाल का बेसन, यहां तक भी ठीक है। उसके बाद उसे 200 डिग्री टेम्परेचर में ऑयल में उसको तला जाता है। इससे सारे विटामिन तो नष्ट हो जाते हैं, बचता है सिर्फ कार्बन, कुछ भी बचता नहीं है, जो शरीर को पचाना असंभव है। इसमें तेल जो सिर्फ चर्बी बढ़ाएगा। यह सब हम मजे से खाते हैं, उसके साथ बेकरी युक्त मैदे से बना हुआ पाव। आप सिर्फ कल्पना करें यह सब हमारे पेट में जाने के बाद क्या होगा। हमारा पेट एक गैस बनाने वाली फैक्ट्री बनेगा और कुछ नहीं। इतना समझने के बाद भी समझते नहीं हैं तो आपकी मर्जी है। इंद्रिय और मन के चक्कर में
हम ये देह रूपी गाड़ी का सत्यानाश कर रहे हैं, इसके ऊपर मनन करें और आज से ही पदार्थ को परमात्मा को साक्षी रखकर त्याग दो। इसी तरह आपके शरीर में ज़्यादा गैस नहीं बनेगा और आपके शरीर में कहीं भी दर्द नहीं रहेगा। दोस्तों, अभी हम समझने जा रहे हैं पित्त को। अपना स्वयं का शरीर खुद एसिड का निर्माण करता है, वह खाना, उसका उद्देश्य खाना पकाने हेतु है। दोस्तों, हमारे शरीर में 80% जो प्रॉब्लम है वह है ज़्यादा एसिड की वजह से ही है, और इसके वजह से ही हमारी बीमारियां है। तो सवाल पैदा होता है, इतना एसिड क्यों ज़्यादा होता है? दोस्तों, प्रथम समझते हैं एसिड की वजह से क्या होता है। कहा जाता है हमारे शरीर में 7000 नाड़ियां है। मित्रों, आपको पता है एक प्लास्टिक पाइप से भी एसिड गुजरता है तो वो पाइप को ही खत्म करता है, उसकी वजह से पाइप की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और पाइप क्रैक हो जाता है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, 7000 रक्त के नाड़ियों में ज़्यादा एसिड होने की वजह से खून में आ जाता है और सारे शरीर में हजारों रक्तवाहिनियों से यह एसिड बहता है। दोस्तों, इसी के कारण रक्तवाहिनियाँ खराब हो जाती है, चिपक जाती है, रक्त प्रवाह असंतुलित हो जाता है। यही कारण से हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का निर्माण होता है। यह रक्तवाहिनियाँ स्टिफ मतलब कड़क हो जाती है, इसकी वजह से पीठ का दर्द, स्पॉन्डिलिसिस जैसे बीमारियों का जन्म होता है। इतना खतरनाक है एसिड। क्रांति समर्पण ट्रस्ट का और आयुर्वेद का मानना है मानवीय शरीर को 80% अल्कलाइन फूड मतलब क्षारीय अन्न लेना चाहिए और सिर्फ 20% एसिडिक फूड लेना चाहिए, तो ही हमारे शरीर का वात, पित्त और कफ संतुलित रहता है। जब यह तीनों संतुलित हो जाते हैं, निरामय स्वास्थ्य मानव को प्रदान होता है। और अभी हम मानव का अध्ययन करें तो वह 90% एसिडिक फूड ले रहा है और सिर्फ 10% अल्कलाइन फूड ले रहा है। कुदरत के नियम से 100% अपोजिट चल रहे हैं और परिणाम में बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त है। मित्रों, प्रथम हम समझते हैं अल्कलाइन मतलब क्षारीय अन्न क्या है। जो पदार्थ में 70% पानी है वह सब पदार्थ अल्कलाइन फूड माने जाते हैं। तो वह क्या है? वह सिर्फ सर्वव्यापी परमात्मा ने अपनी औलाद को बनाया हुआ खाना मतलब सभी प्रकार के फल और सब्जियां क्षारीय अन्न हैं। यह अच्छी तरह से समझ लीजिए। समझते हैं अम्लीय मतलब एसिडिक फूड क्या है। जो अन्न में कम पानी है या बिल्कुल नहीं है वह अन्न एसिडिक फूड है। जैसे कि सभी प्रकार की दालें और अनाज, प्राणियों का मांस, शक्कर सबसे हाईली एसिडिक फूड है। जो भी रूखा सूखा बेकरी युक्त पदार्थ, फैक्ट्री निर्मित पैक फूड, यह सभी अम्लीय एसिडिक फूड है। चाय, कॉफी, दूध, यह ज़्यादा एसिडिक निर्माण करने वाले हैं। यह अम्लीय भोजन सिर्फ आपका शरीर नहीं बिगाड़ते, आपकी मनस्थिति भी बिगाड़ते हैं। शांति और समाधान आप कभी भी महसूस नहीं कर सकते, चिड़चिड़ापन, झगड़ाले वृत्ति बन जाती है। हमारे मराठी में कहावत है पित्त खवलने मतलब क्रोध का निर्माण होना, यह परिणाम अम्लीय भोजन से ही निर्माण होता है। बहुत लोगों का कहना है हम शुद्ध शाकाहारी है, फल सब्जियां खाते हैं तो भी हम बीमार क्यों? यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मुझे यदि किचन की व्याख्या करने को कहा जाए तो किचन यह एक ऐसी जगह है, वहाँ
सर्वव्यापी परमात्मा ने बनाई हुई जिसमें सब कुछ पोषण है, वैसी जीवित सब्जियां लाई जाती है और इसी जीवित भोजन को मृत भोजन बनाया जाता है। इस जगह का नाम किचन है। दोस्तों, बाजार से आप एक शुद्ध अल्कलाइन फूड मतलब सब्जियां खरीद लाते हो और उनको मृत करके मसाले डालकर तेल का तड़का देकर वह अल्कलाइन फूड को एसिडिक फूड में रूपांतरित करते हो और खाते हैं। यह खाने को पक्व भोजन मतलब पकाया भोजन कहते हैं। और अपक्व आहार की व्याख्या है, जो अन्न चूल्हे के ऊपर पकाया नहीं जाता उसे अपक्व आहार कहते हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, आप स्वयं कैलकुलेशन खुद का करें। सुबह से लेकर रात तक आप इस मुख से कौन सा अन्न जैसे कि अम्लीय पदार्थ या अल्कलाइन पदार्थ कितना ले रहे हो और इसका कैलकुलेशन करके आप गणित लगाओगे तो किसको लगेगा मैं 90% एसिडिक फूड ले रहा हूँ, किसको लगेगा मैं 85% ले रहा हूँ, किसको लगेगा मैं 95% एसिडिक फूड ले रहा हूँ, यही कैलकुलेशंस आपको मिलेगा। गणित अपने आप आपको समझ आएगा। सुबह की शुरुआत ही देखो, चाय मतलब हाईली एसिडिक फूड से ही हमारी दिन की शुरुआत होती है। सत्य आपके सामने है, उसके परिणाम भी खतरनाक है। हमारे उम्र होने के पहले ही मरने का कारण सिर्फ एसिडिक फूड है। यह सत्य को जानकर क्रांति करने पर उतर आइए। क्रांति मतलब सकारात्मक परिवर्तन के सिवा दूसरा विकल्प नहीं है। यदि आप अपने से या अपने परिवार से प्यार करते हो तो डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम परिवार के सदस्य बने। फिर दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे यह पित्त विकार संतुलित करने का एक ही उपाय है, 80% अल्कलाइन फूड लीजिए और 20% एसिडिक फूड लीजिए। और हमारी क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम का मकसद यही है, अल्कलाइन फूड को टेस्टी रेसिपी बनाकर आपको खाना खाने की आदत को हम बदलना चाहते हैं, यही हमारे जीवन का मकसद है। यह अपने शरीर के त्रिदोष वात पित्त और कफ में यह हमारा अंतिम चरण है। कफ का स्पष्ट रूप से व्याख्या यह है, चिकनाई युक्त पदार्थ जो हजम नहीं हुआ वह पदार्थ हमारे नाक और श्वसन मार्ग में आ जाता है और वह कफ के माध्यम से बाहर निकलता है और वह चिकट होने के कारण जल्दी बाहर नहीं आता और हम बीमार पड़ते हैं। यह बीमारी के नाम हैं सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, टीबी, अस्थमा, यह रोग से आप ग्रस्त हो जाते हैं। तो हम इसके कारण समझते हैं, हमारे खाने में तेल, तूप, तेलबिया मतलब शिंदाना जिससे तेल निकलता है और यह चिकनाहट पैदा करते हैं। यह सब पदार्थ हमारे शरीर में कफ बढ़ाते हैं। सबसे विषमय पदार्थ है परमाता का दूध, परमाता मतलब जो अपनी माता नहीं है उसका दूध, और दूध से बने हुए पदार्थ सबसे ज़्यादा हानिकारक है। डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम में दूध को जहर माना गया है। यह एक साइलेंट किलर है और हम सबका प्यारा दुश्मन है। आगे हम दूध ये विषय पर स्पेशल ऑडियो वीडियो बनाएंगे, इसमें मैं आपको सिद्ध करूंगा दूध विष क्यों है। प्रथम, यह ऑडियो सुनते ही एक काम करें, जो भी आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं प्रथम इसको बंद कर दीजिए। तेल गलत ही है मगर आपके जीवन का यह अविभाज्य भाग बना है, परंतु हम तुरंत घटस्फोट नहीं ले सकते हैं। इसके लिए कोल्ड प्रेस ऑयल जिसे कच्चे घानी का तेल का इस्तेमाल शुरू करें। आप कफ विकार को नियंत्रित करना चाहते हो
तो प्रथम बेकरी युक्त पदार्थ, दूध और दूध से बने पदार्थ, सभी पदार्थ और रिफाइंड ऑयल लेना तुरंत बंद करें, कफ विकार नियंत्रित हो जाएंगे। मित्रों, खुद के बारे में जानना ही आत्मज्ञान है, इसलिए यह ज्ञान को गहराई से अंदर उतरने दीजिए। लगभग शरीर संदर्भ में सभी जानकारियां आपको दी गई है और मुझे विश्वास है आप शरीर को पूरी तरह से समझ गए होंगे। फिर आगे सब कुछ आसान है, बस डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम के मार्ग पर, मतलब ईश्वरीय खानपान पद्धति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें और सिर्फ 21 दिन यह मार्ग का अवलंब करें और स्वयं का अनुभव बनाएं। आपका अनुभव ही आपका सच्चा गुरु है। अनुभव के लिए करके देखना पड़ेगा, बाद में आपको हमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। पूरा ईश्वरीय सत्य आपके सामने खुलेगा और आप अनुभव करेंगे सर्वव्यापी परमात्मा की कृपा की ताकत क्या है। आज यहाँ तक ही, आत्मसाधना के मार्ग पर प्रगति करना चाहते हो तो हमारे ऑडियो वीडियो सिर्फ सुनते रही है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप सब स्वस्थ और मस्त हो, वो कामना के साथ यह कार्यक्रम खत्म हो रहा है।